आ गए हैं तीनों, आयान, रयान और अरसलान। और अब बारी है हमारे नए पेट की। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज हम लोग टेरेस पे आ गए हैं। 4:30-5 बजे का टाइम है, हल्की हल्की धूप है। और कल मैंने आप लोगों से बोला था कि हमारा एक नया पेट आने वाला है, तो वो पेट आ चुका है हमारे टेरेस पे, इस वक्त हमारे साथ है। तो चलो मैं आपको दिखा देता हूँ वो कौन सा पेट है। पहले यहाँ पर आयान, रयान और अरसलान तीनों मेरे साथ है और वो उस पेट को लेके आ रहे हैं। तो चलो लेके आओ इस पेट को। आ गए हैं तीनों, आयान, रयान और अरसलान। और अब बारी है हमारे नए पेट की। तो ये रहा हमारा नया पेट। क्या नाम है इसका? उस्मान। ओके, तो इसका नाम हमने रखा है उस्मान। तो आज से इसका नाम है, आज से इसका नाम है उस्मान। अभी ये छोटा है, 6 महीने का बच्चा है और माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है ये। और ये भी मेल किड है। और जब हम इन दोनों को लाए थे, पठान और सुल्तान को, तो ये भी इतने ही बड़े थे लगभग 3 महीने पहले। और अभी ये पठान और सुल्तान के सामने काफ़ी छोटा सा बच्चा लगता है। तो ठीक है, अब ये थोड़े दिन हमारे पास रहेगा तो अच्छा हो जाएगा, हेल्दी हो जाएगा। और इसके जो कलर है वो ब्लैक एंड वाइट कलर में है ये। अभी ये काफ़ी गंदा हो गया है क्योंकि गाड़ी वगैरह में आते हैं तो दूसरे बकरों की भी गंदगी लग जाती है, इस वजह से ये थोड़ा येलोइश कलर का हो गया है। तो अभी तो इसको हम लेकर आए हैं और ये अभी आराम कर रहा है, खा रहा, पी रहा है और थोड़ा घूम रहा है। जब ये थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा उसके बाद हम इसको कल, आई थिंक अभी तो नहीं, कल नहलाएंगे इसको हम, कल मॉर्निंग में, है ना? तो कल मॉर्निंग में इसको नहलाएंगे तो थोड़ा, हाँ छुट्टी, कल संडे है ना। ओके, तो कल एक काम करते हैं, कल सब बकरों को नहलाते हैं कल। अगर सबको नहीं नहलाए तो पहले इसको तो पक्का नहलाएंगे। नहीं नहीं नहीं, सबको ही नहलाएंगे ऐसे करके, पहले इसको नहलाएंगे। ठीक है, देखेंगे, ठीक है देखेंगे, बहुत टाइम लगेगा सबको। चलो ठीक है, सबसे पहले कल इसको नहला देंगे क्योंकि ये सबसे ज़्यादा गंदा हुआ है अभी, तो इसको भी थोड़ा अच्छा लगेगा। और अभी तो हम जब इसको लेकर आए थे ये सारे बकरे इसको मारने लगे थे, तो अभी थोड़ा फ्रेंडशिप कराना पड़ेगा उस्मान के साथ। सबसे पहले भी नया बकरा आया था, ये जो पठान नहीं ना, पठान ये है ना, इसके ऊपर चढ़ गया था। हाँ, तो अभी ये नए बकरे को देख के थोड़ा तंग करेंगे, तो हम लोग को थोड़ा सा संभालना पड़ेगा इनको। हाँ, दाढ़ी भी है उसको। तो ये मुझे काफ़ी क्यूट लगा ऑनलाइन देखने के बाद, तो मैंने इसको मंगा लिया। और ये इनसे मैंने लिया है, उनका नाम है इमरान भाई, कोटा के रहने वाले हैं और वो काफ़ी अच्छे और खूबसूरत बकरे देते हैं और काफ़ी अच्छे रेट में देते हैं। तो ये वहाँ से आया है और जब मैंने इसको देखा था कैमरे पे उसी वक्त मैंने इसका नाम उस्मान सोच लिया था। एक्चुअली ये नाम मेरी मम्मी ने सोचा है और मुझे भी ये नाम काफ़ी पसंद था, तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि इसका नाम उस्मान ही रखेंगे। मैं बोल रहा था कि हम लोग दूसरा फुल वाइट वाला बकरा लेंगे ना, उसका नाम कुछ वो भी रखेंगे। देखेंगे अभी इंशाल्लाह, आगे जाके फुल वाइट कलर में एक बकरा चाहिए, वो भी ऐसा ही विदाउट सिंग वाला, तो उसका, उसको भी लाएंगे और उसका नाम भी इंशाल्लाह बहुत अच्छा रखेंगे। ठीक है, अभी तो फिलहाल उस्मान यहाँ पे चिल कर रहा है और आया तो काफ़ी डरा हुआ था, लेकिन अब ये काफ़ी ज़्यादा मतलब रिलैक्स हो चुका है। आप देख सकते हो ये आराम से बैठ के खा रहा है। और उन लोगों को जब हम खोल देते हैं तो वो सारे मिलके उस्मान को परेशान करते हैं। अभी भी देखो गेट पे खड़ा है सुल्तान, सुल्तान गेट पे खड़ा है अभी भी, ताकि वो सोच रहा है कि हम लोग इसको बाहर आके परेशान करेंगे। लेकिन इसीलिए मैंने इसको अकेला रखा है कि थोड़ा दिन जब इनकी फ्रेंडशिप हो जाएगी तब हम इसको बाकियों के साथ में छोड़ेंगे। लेकिन अभी थोड़ी देर में हम इनको साथ में छोड़ने वाले हैं ताकि ये लोग दोस्ती कर लें। ठीक है, हाँ देता हूँ जूम करके, देखिए कितना प्यारा लगता है ये माशाल्लाह। अल्लाह इसको बुरी नज़र से बचाए। और ये काफ़ी क्यूट लगता है हर एंगल से। और जब मैंने इसको देखा तो उसी वक्त मैंने डिसाइड कर लिया था कि इसको किसी भी हालत में लेना ही है। और इसके चेहरे पे जो वाइट पैच है सामने की तरफ नोज पर, वो मुझे काफ़ी ज़्यादा प्यारा लगा था। कबीर कैसा लगा उस्मान? कबीर अच्छा लगा? हाँ,
अभी वो नहाया नहीं है ना, नहा लेगा तो और अच्छा लगेगा, क्यूट है ना एकदम। और ये सारे देख रहे हैं, इनको जेलस फील हो रहा है, चारों आ गए हैं यहाँ पर, और इनको इसीलिए बंद रखा है ना ये चारों, इसको बहुत परेशान कर रहे थे, इसीलिए इनको मैंने सोचा साथ में छोड़ देते हैं, लेकिन साथ में छोड़ने के बाद ये काफ़ी ज़्यादा उसको परेशान करने लगे थे, इसीलिए हमने अलग रखा है इसको फिलहाल। और अभी थोड़ी देर बाद हम इनको साथ में छोड़ने वाले हैं, देखो कैसे देख रहे सबके साथ। सुल्तान, पठान, यूम, अजवा, इन चारों को काफी ज्यादा जलन फील हो रही है, क्योंकि ये सोच रहे कि इसको बाहर क्यों रखा है इन लोगों ने, लेकिन अंदर डालेंगे ना अभी तो सुल्तान और पठान ही इसको मारना शुरू कर देंगे। अभी ये थोड़ा नया आया है, थका हुआ है, थोड़ा वीक है, थोड़ा सा इस पे ध्यान देना पड़ेगा, और कल सबसे पहले इसको नहलाएंगे। है वैसे बहुत नॉटी, क्योंकि इसका पहला दिन है और उसके बाद भी ये सबको मार रहा है, हम लोगों को कहीं भी डर नहीं रहा है किसी से भी, ये तो वैसे तो ये काफ़ी नॉटी बकरा है ये, और अभी दो चार दिन में सब पता लग जाएगा इसकी आदतों के बारे में। वो स्क्वेरल है, स्क्वेरल, हाँ रहने दो रहने दो, परेशान मत करो लोग को, रहने दो, हट जाओ हट जाओ, उसको परेशान मत करो, डर जाएगी ना फिर वो आएगी नहीं, रहने दो। उसने वहाँ पे नेस्ट बना के रखा है शायद अपने बकरे के घर में, देखो कैसे वहाँ जाके देख रहा है हम लोग को, छोड़ दो रस्सी छोड़, आ जाओ इधर आ जाओ, उसको डरने मत दो, नहीं तो वो आएगी नहीं अपने पास पे, डर गई हो, डर गई स्क्विरल, डर गई। लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का नया पेट, हमारा उस्मान, और अभी तो ये यहाँ पर चिल आउट कर रहा है, थोड़ा सा टाइम पास कर रहा है और खाना पीना खा रहा है अभी, ठीक है। कल इसको हम लोग नहलाएंगे, तो नहलाने का व्लॉग हम लोग जरूर बनाएंगे कल। लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना, और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, ठीक है।